उपचुनाव का ऐलान हो गया जी, सियासत गर्मा गई है लगातार, आप तरी आपके नाम को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए तिवारी जी, इलाहाबाद चुनाव डिक्लेयर हो चुका आज, और इलाहाबाद के अंदर बहुत बढ़िया चुनाव होगा, क्योंकि जो आने वाला समय इलाहाबाद प्रगति के लिए है। और अभी जेजेपी और बीजेपी ने फाइनल करना है कि मीटिंग के दौरान कि टिकट किसी के हिस्से में आती है, और बीजेपी और जेजेपी के अंदर भाई गोपाल कांडा जी हलोपा से, जो हमारे प्रेसिडेंट है हलोपा से, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन कर रखा है, और तीनों ने मिलके अब ये डिसाइड करना है कि कौन लड़ेगा। वैसे हम हमारी पूरी दावेदारी ठोकेंगे हलोपा से कि हलोपा का भी गठबंधन हो भाजपा के साथ और जेजेपी के साथ, और हलोपा भी अपना प्रत्याशी खड़ा करे और चुनाव लड़े। चर्चा ही वैसे मार्केट में ये चल रही है कि गोविंद कांडा बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी सच्चाई इसमें? देखिए अभी तीनों पार्टियों की एक मीटिंग होगी, ये तीनों ने डिसाइड करना है कि किसके हिस्से में टिकट जाती है, जेजेपी के या हलोपा के या बीजेपी के। जिसके भी हिस्से में टिकट जाएगी हम उसका समर्थन करेंगे, उसको पूरी दावेदारी से चुनाव लड़वाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। यदि बीजेपी कहती है तो? देखिए अगर बिल्कुल अगर ये डिसाइड होगा कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और बीजेपी चाहेगी कि अगर मुझे अपना प्रत्याशी बनाना चाहेगी, तो बिल्कुल हम उनकी छत्र छाया में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। इलाहाबाद में कोई दौरे या लोगों से बातचीत? देखिए मैं लगातार निरंतर इलाहाबाद के गांव-गांव में भी मेरा मतलब संपर्क है, मैं दौरे नहीं किए मैंने, मेरा संपर्क है, और ऐसा कोई मुझे नहीं लगा कि मेरे से कोई अलग है कोई किसी प्रकार के, चाहे मैं हलोपा से चुनाव लड़ूं या जेजेपी से या बीजेपी से। लेकिन सभी चाहते हैं कि एक बार अब की बार निष्पक्ष चुनाव हो और एक चेहरा, नया चेहरा आए, और लोग अच्छी तरह से आशीर्वाद देंगे और बहुत बढ़िया चुनाव जीतेंगे। पूरे हरियाणा में वैसे बीजेपी का विरोध किसानों द्वारा किया जा रहा है, और किसान आंदोलन के बीच में ही इलाहाबाद बाई इलेक्शन आ गया, क्या? लेकिन ये एक सेंट्रल सरकार का मुद्दा है, स्टेट सरकार का नहीं है। स्टेट सरकार ने हमेशा जमींदारों का साथ दिया है, किसानों का साथ दिया है, हलोपा ने भी दिया है, जेजेपी ने भी दिया है, और देते भी रहेंगे और दे भी रहे हैं। उनको पूरा मुआवजा मिल रहा है हर चीज़ में, हर वक्त में फसल के भी अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक विद्रोह चल रहा है वो एक अलग बात है, उनकी मांगे हैं, मांगे मांगना सबका अपना अपना हक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। आपके सामने दो कैंडिडेट और भी होंगे, आईएनएलडी का और कांग्रेस का, फाइट किससे माने क्या त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? मेरी ख्याल से तो अगर चाहे मैं हलोपा से लड़ूं या भाजपा से लड़ूं, मेरा मुकाबला किसी से नहीं होगा। आपको दिखा दूंगा मैं, और समय भी दिखाएगा, और आप भी देखना, आप सभी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा, कि मेरा मुकाबला किसी से भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल बहुत भारी मतों से हम जीत कराएंगे। किन मुद्दों को लेकर वैसे आप जाएंगे? देखिए हमारे मुद्दे एक तो जनता की सेवा, क्योंकि पूरा जिला जानता है भाई गोपाल कांडा जी को, कि हम समाज सेवी आदमी हैं, राजनीतिक आदमी नहीं हैं, हमने सेवा के लिए जाते हैं। और जब भी आपने देखा कि जब भी गोपाल जी आए हैं, चाहे वो मंत्री के रूप में थे, आज विधायक के रूप में आए, तो उन्होंने सिरसा के हक की लड़ाई लड़ी है, और हक की लड़ाई लड़के जो हक के हमारे पैसे हैं वो यहाँ लाकर लगाए हैं। जैसे आप आज आपने देखा कि पूरे सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा कार्य सिरसा की कमेटी कर रही है, हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि हरियाणा का भी सबसे ज़्यादा कार्य आज सिरसा की कमेटी कर रही है, भाई गोपाल कांडा जी के आशीर्वाद से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। ये हरियाणा की पहली कमेटी है जो लगभग 100 करोड़ के टेंडर 6 महीने में किए हैं। हम विकास का मुद्दा बना के चलेंगे, इलाहाबाद को एकदम जो बिल्कुल कभी उन्होंने सोचा भी नहीं, एक ऐसा विकास करके दिखाएंगे, लोग सोचेंगे, बिल्कुल गांवों को भी शहर बनाकर दिखाएंगे। सर अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया किसानों के मामले को लेकर,
किसान कानून वही है अभी तक, उनकी वापसी नहीं हुई, तो अब चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए नहीं दिया, ना वो किसानों के लिए कभी देंगे। उन्होंने अपने लिए दिया, अपने फायदे के लिए दिया, उनको वो फायदा नहीं मिला, बल्कि उन्होंने अपना नुकसान किया है। ये सीट उन्होंने खोई है, ये सीट खोएंगे, और खो दी उन्होंने सीट। उनको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। उन्होंने अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ा था, शायद हरियाणा के किसान मेरे हक में आएंगे, लेकिन उन्होंने नुकसान किया, फायदा नहीं किया। का विरोध किसानों द्वारा किया जा रहा है और किसान आंदोलन के बीच में ही इलाहाबाद बाई इलेक्शन आ गया, क्या आपको लगता है कि इस विरोध के बावजूद आप इलाहाबाद सीट से कमल का फूल खिला पाएंगे? बिल्कुल खिलेगा, ऐसा नहीं है। लोगों को सरकार का भी साथ चाहिए, और सरकार ने कभी किसी के साथ किसी का हक नहीं छीना। ये लड़ाई एक अलग लड़ाई है, सेंट्रल सरकार की लड़ाई है, स्टेट सरकार ने कभी किसी का हक नहीं छीना। पूरा जमींदारों का हक मिल रहा है, और सरकार भी जमींदारों के हक में है। सरकार भी चाहती है कि ये अपनी बातचीत से किसी प्रकार से इसका सुलझेड़ा हो। सरकार कभी नहीं चाहती कि ये लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन ये सेंट्रल सरकार का मुद्दा है, स्टेट सरकार का नहीं है। स्टेट सरकार ने हमेशा जमींदारों का साथ दिया है, किसानों का साथ दिया है, हलोपा ने भी दिया है, जेजेपी ने भी दिया है, और देते भी रहेंगे और दे भी रहे हैं। उनको पूरा मुआवजा मिल रहा है हर चीज़ में, हर वक्त में, फसल के भी अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक विद्रोह चल रहा है, वो एक अलग बात है, उनकी मांगे हैं, मांगे मांगना सबका अपना अपना हक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। आपके सामने दो कैंडिडेट और भी होंगे, INLD का और कांग्रेस का, फाइट किससे माने क्या त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? मेरी ख्याल से तो अगर चाहे मैं हलोपा से लड़ूं या भाजपा से लड़ूं, मेरा मुकाबला किसी से नहीं होगा। आपको दिखा दूंगा मैं, और समय भी दिखाएगा, और आप भी देखना, आपसे भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूँगा, कि मेरा मुकाबला किसी से भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल बहुत भारी मतों से हम जीत कराएंगे। किन मुद्दों को लेकर वैसे आप जाएंगे? देखिए, हमारे मुद्दे एक तो जनता की सेवा, क्योंकि पूरा ज़िला जानता है भाई गोपाल कांडा जी को, कि हम समाज सेवी आदमी हैं, राजनीतिक आदमी नहीं हैं, हमने सेवा के लिए जाते हैं। और जब भी आपने देखा कि जब भी गोपाल जी आए हैं, चाहे वो मंत्री के रूप में थे, आज विधायक के रूप में आए, तो उन्होंने सिरसा के हक की लड़ाई लड़ी है, और हक की लड़ाई लड़के जो हक के हमारे पैसे हैं वो यहाँ लाकर लगाए हैं। जैसे आप आज आपने देखा कि पूरे सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा कार्य सिरसा की कमेटी कर रही है। हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि हरियाणा का भी सबसे ज़्यादा कार्य आज सिरसा की कमेटी कर रही है, भाई गोपाल कांडा जी के आशीर्वाद से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। ये हरियाणा की पहली कमेटी है जो लगभग 100 करोड़ के टेंडर 6 महीने में किए हैं। हम विकास का मुद्दा बना के चलेंगे, इलाहाबाद को एकदम जो बिल्कुल कभी उन्होंने सोचा भी नहीं, एक ऐसा विकास करके दिखाएंगे, लोग सोचेंगे, बिल्कुल गाँवों को भी शहर बनाकर दिखाएंगे। सर, अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया किसानों के मामले को लेकर।